हम बीजेपी का वैक्सीन नहीं लगवा सकते, मैं तो नहीं लगवाऊंगा अभी वैक्सीन, मैंने अपनी बात कह दी, और वो भी बीजेपी लगाएगी उसका भरोसा करूंगा मैं? अरे जाओ भाई, अरे अपनी सरकार आएगी सबको फ्री वैक्सीन लगेगी। कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन बताते हुए लगवाने से जब अखिलेश यादव ने मना कर दिया था तब लोग इस बात को हंसी मजाक में टाल रहे थे, लेकिन कोविड वैक्सीन के बाद से ही हर उम्र के बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में बढ़ रहे हार्ट अटैक के मामलों ने हर किसी को हैरान किया था। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये खबर आ रही है कि जो किसी के गले नहीं उतर रही, मोदी की भाजपा को एक दिन में 52 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड चंदा देने वाली वैक्सीन कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन में दुर्लभ साइड इफेक्ट्स और गंभीर बीमारियों के कारकों की पुष्टि हुई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के लिए कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने यूके की एक रिपोर्ट में माना है कि उनकी इस वैक्सीन में गंभीर साइड इफेक्ट्स जैसे टीटीएस यानी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम हो सकता है। इस साइड इफेक्ट से शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं और प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगता है। बॉडी में ब्लड क्लॉट्स की वजह से ब्रेन स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस बीच हम आपको बता दें कि भारत में लगभग 80% से ज्यादा लोगों को यही कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई है। एस्ट्राजेनेका से लेकर इसे भारत में बनाने का काम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन कंपनी के मालिक आधार पूनावाला ने किया था। आधार पूनावाला से बीजेपी की नजदीकियां किसी से छिपी नहीं है। इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से बीजेपी को भर भर के चंदा दिया है। अब जनता के बीच हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों ने इस वैक्सीन से लोगों को डरा दिया है। उदाहरण के तौर पर तमाम ऐसे वीडियो पिछले कई दिनों से हम लोग लगातार हर रोज देखते आ रहे हैं जिसमें हंसते खेलते बच्चों बुजुर्गों के साथ हार्ट अटैक की समस्या देखी जा रही है। इस बीच बीजेपी का वह पोस्टर बैनर भी वायरल हो रहा है। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम मोदी की तस्वीर भी वायरल हो रही है जिसमें ये फ्री की वैक्सीन लगाने का सारा क्रेडिट मोदी जी ले रहे थे। लोगों का कहना है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले उन्हें वैक्सीन बनाने का ठेका देकर भाजपा ने जनता के साथ विश्वासघात किया है। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।